Gunjan Vishwakarma. I am a tarot card reader, spiritual healer, numerologist and vastu consultant. Visit कीजिए मेरे YouTube channel Mindful Journey Dr. Gunjan Vishwakarma पर daily tarot guidance के लिए और love messages के लिए. मुझे फॉलो कीजिए Facebook, Instagram, IGTV, Twitter और LinkedIn पर भी. मैं देती हूँ आपको हर दिन टैरो गाइडेंस अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके से. अगर आप YouTube पर फॉलो करते हैं तो आप फॉलो कीजिए मुझे IGTV पर भी, Twitter, LinkedIn पर भी, क्योंकि आप जहाँ भी कहीं मुझे फॉलो कर रहे हैं वहाँ से डिफरेंट गाइडेंस आपको मिलेगी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर. तो मुझे सभी जगह फॉलो करना ना भूलें. और अगर आपको चाहिए एक पर्सनल कंसल्टेंसी तो उसके लिए भी अवेलेबल हूँ. मुझे व्हाट्सएप कीजिए 7424830300 पर. आपका वेट करूंगी मेरे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर. तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय. Members, मैंने आपसे जैसा कि कहा था कि मैं एक पीके कार्ड रीडिंग बनाऊंगी स्पेशली आप लोगों की डिमांड पर और आपके चुने हुए वोट किए हुए सब्जेक्ट पर. तो आप लोगों ने वोट किया था कि आपको पता करना है स्पिरिट आपसे क्या कह रही है, व्हाट स्पिरिट वांट्स टू टेल यू, भगवान आपसे क्या कहना चाहती है, जो भी आप जिनको भी आप मानते हो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं. तो इसी विषय पर आज मैं एक पीके कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ. तो हमारे पास पहली पाइल में है साईं बाबा स्पिरिट, दूसरी में हमारे पास कृष्णा स्पिरिट और तीसरी में हमारे पास जीसस की स्पिरिट. तो आप अपनी स्पिरिट डेक को चुन लीजिए. आप किन स्पिरिट गाइड के साथ अपने आप को ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं. अगर आप एक से ज़्यादा स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्टेड हों तो आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज कर सकते हैं. और अगर आप सारे मैसेजेस सुनना चाहें तो भी आप सारे मैसेजेस सुन सकते हैं. तो मुझे जल्दी से चूज करके बताइए आपने क्या चुना है, साई बाबा स्पिरिट, कृष्णा स्पिरिट या जीसस स्पिरिट. और हम शुरू करते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं स्पिरिट की ओर से. आई थिंक आपने चुन लिया होगा. और हम सबसे पहले हम साई बाबा की तरफ से आपके लिए जो मैसेजेस आने वाले हैं उनको देखते हैं कि ये क्या मैसेजेस आ रहे हैं और हमारे पास क्या कार्ड है. जरा देखते हैं. वी हैव टू कार्ड्स ऑफ फॉर यू एंड इस डेक के जो बॉटम पर मेरे पास कार्ड आया है वो है रीजन कार्ड. ओ वाओ, रीजन कार्ड है कारण, इसका मतलब होता है कारण. और इस पर बने हुआ है रथ बना हुआ है और इस पर रथ बना हुआ है, इस पर चार घोड़े बने हुए हैं और इस पर एक धनुषधारी व्यक्ति जो धनुष बाण चला रहा है. और यहाँ पर लिखा है द माइंड इज रेस्टलेस, लेट योर इंटेलेक्ट कंट्रोल योर माइंड. तो ये जो घोड़े, ये रथ जो है ये आपके मन का प्रतीक है. और आपसे साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं, आपसे साईं बाबा ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त जो कुछ भी आपकी जिंदगी में चल रहा है उसका मेन कारण, मुख्य कारण है आपका मन, आपका अपना ही दिमाग जो रेस्टलेस हो रहा है, जो जरूरत से ज्यादा सोच रहा है. तो अपने मन को अपने ऊपर हावी न होने दें, अपने मन को कंट्रोल करना सीखें, अपने इंटेलेक्ट के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा कारण को समझे कि जो कुछ भी इस वक्त आपके साथ नेगेटिव घटित हो रहा हो या पॉजिटिव घटित हो रहा हो आपके रेस्टलेस माइंड की वजह से हो रहा है. मन के घोड़ों पर लगाम लगाना सीखिए. और आप यहाँ देखेंगे कि इसके अंदर जो है ना, जो घोड़े है ना वो बहुत तीव्र गति से दौड़ रहे हैं. तो आप मन के घोड़ों पर लगाम लगाना सीखिए, ऐसा आपके साईं बाबा आपको कह रहे हैं. और देखते हैं साईं बाबा की ओर से क्या मैसेज आया है. द ड्रीम कार्ड, विद इन राइट डाउन योर ड्रीम्स. बाबा ऑफन कन्वेज मैसेज थ्रू ड्रीम्स. और बाबा आपसे कह रहे हैं कि अपने सपनों पर, नींद में जब आप सोते हैं, सपने जब आप देखते हैं तो उन सपनों पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए. हो सकता है कि साईं बाबा उन सपनों के द्वारा आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है बाबा ऑफन कन्वेज मैसेजेस थ्रू ड्रीम्स. बाबा अपने मैसेजेस को मोस्टली ड्रीम्स के द्वारा ही देते हैं, इसलिए ड्रीम्स. अगेन यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक मैन बना हुआ, मेल फिगर बना हुआ है जो कि हवा में उड़ते जा रहा है और ये हवा परिंदे जो है उसको लेकर उड़े जा रहे हैं. तो उड़ा आपका कहीं अगर मन रहता, कहीं ऐसा है कि आपका कहीं भी मन नहीं लग रहा है, तो अगेन साईं बाबा आपको यही कह रहे हैं कि आप अपने मन पर लगाम लगाना सीखिए, अपने मन को अपने कंट्रोल में रखना सीखिए और अपने सपनों पर ध्यान दीजिए. शायद आपको सपनों के थ्रू मैसेज मिलने वाला है. और 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड. तो शायद आपके स्ट्रेस का अंत होने
होने वाला और आप एक अबंडेंट प्रॉस्परस लाइफ में एंटर करने वाले हैं। अगर आपने ज्यादा चिंता करना छोड़ दिया, अगर आपने ज्यादा सोचना छोड़ दिया और अगर आपने अपने दिल की ना सुनकर दिमाग से बुद्धि से इस्तेमाल किया तो आपकी फैमिली लाइफ में जो भी कोई स्ट्रेस है वो रिलीव हो जाएंगे। हो सकता है फैमिली का गेट टुगेदर हो, जिनसे आपकी लड़ाई हो वो लड़ाई रिजॉल्व हो जाए, थोड़ा सा मन को कंट्रोल में करेंगे तो फैमिली के जितने भी इश्यूज हैं वो सॉल्व होने की पूरी पूरी संभावना है। ये मैसेज आता है आपके लिए स्पिरिट की ओर से, साईं बाबा की स्पिरिट की ओर से। आई थिंक आपको ये मैसेज पसंद आया होगा। चलिए देखते हैं दूसरा मैसेज क्या है हमारे पास। दूसरा मैसेज हमारे पास आता है कृष्णा की स्पिरिट से और ये हमारे पास कार्ड्स आए हैं यहाँ पर और बॉटम ऑफ द डेक पर जो कार्ड है वो कहता है ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर कार्ड आया आवर एनिमी, हमारा शत्रु। आपका शत्रु कौन है? आपका शत्रु आपका मन ही है। यहाँ पर लिखा हुआ है अर्जुन उवाच। अर्जुन कहते हैं By what is one impelled to sinful acts, even unwillingly? क्या वो वजह है जिसकी वजह से हम ना चाहते हुए पाप कर्मों में लग जाते हैं? हम पाप क्यों कर लेते हैं जबकि हम में से कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहता, फिर भी हम पाप क्यों कर लेते हैं? As if engaged by force, जैसा कि कोई जबरदस्ती हमसे करवा रहा हो, ऐसा क्यों लगता रहता है कि आपसे कोई जबरदस्ती पाप करवा रहा? हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में ऐसा कोई काम कर रहे हो या आपने किया हो जो आप करना नहीं चाहते हो, लेकिन आपके ना चाहते हुए भी आपसे वो काम हो गया हो या आपने वो काम कर दिया हो। कृष्णा रिप्लाइड, और कृष्ण जवाब देते हैं, इट इज लस्ट अलोन, ये लालसा कामना इच्छा कामना लालसा ही वो वजह है जिसकी वजह से हम वो काम कर लेते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। विच स्प्रिंग्स फ्रॉम कॉन्टेक्ट with the mode of passion and is then transformed to anger. सबसे पहले तो ये इच्छा के रूप में उदित होती है, passion के रूप में उदित होती है, आपको इसको करना बहुत अच्छा लगता है और जब ये लालसा पूरी नहीं होती तो ये गुस्से में बदल जाती है, anger में बदल जाती है। It is the mighty all-devouring source of sin and the true enemy of this world. इच्छा कामना का अंत ही आपके सभी दुखों का अंत है। आपका enemy कौन है? आपसे स्पिरिट कह रही है, आवर एनिमी, आपका एनिमी कौन है? आपकी ऐसी इच्छाएं, आपकी ऐसी कामनाएं जो आपके हित में नहीं है उनको करना ही आपका शत्रु है। तो आप अपनी जिंदगी में देखिए कि कहां कहां आप ऐसी इच्छा कर रहे हैं जो कि आपके हित में नहीं है। वाओ, यस, मुझे ऐसा लगता है कि आप इच्छा पूर्ति के लिए या कामना पूर्ति की दिशा में अथक प्रयास कर रहे हैं, अंधाधुंध प्रयास किए जा रहे हैं। आप चाह रहे हैं किसी न किसी तरीके से आपकी इच्छा बस पूरी हो जाए, चाहे उसके लिए कुछ भी आपको करना पड़े, कितना भी प्रयास आपको करना पड़े, तो आप शायद किसी न किसी कामना के पीछे बेतहाशा भाग रहे हैं ऐसा मुझे लगता है। और द स्टार कार्ड यहाँ पर आपको स्पिरिट कह रही है, कृष्णा की स्पिरिट कह रही है, ऐसी कामनाओं के पीछे भागना छोड़ दीजिए, शांत हो जाइए, रिलैक्स होकर बैठिए। और उसके बाद हमारे पास कार्ड है द सुपर सोल, रिलैक्स होकर बैठिए क्योंकि ईश्वर ये महाशक्ति आपके साथ में हमेशा जुड़ी हुई है। आपकी तरफ जो आना लिखा होगा वो वैसे ही आपको मिल जाएगा। आपको बेतहाशा कामनाओं के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के पीछे भागना ही है तो इस सुपर सोल को पाने की दिशा में जाइए। और ईश्वर कह रहे, कृष्णा आपसे कह रहे हैं, आई रिसाइड इन एवरी हार्ट, में हर दिल में बसता हूँ। कामना पूर्ति तभी, कामनाओं की इच्छा, कामनाओं के पीछे भागने की इच्छा तभी खत्म होगी जब कृष्ण आपके कामना पूर्ति के माध्यम बन जाएंगे, जब आप सिर्फ कृष्ण, आपकी इच्छा रह जाएगी कृष्ण को पाना। और कृष्ण तो सबके हार्ट में ही होते हैं, तो जैसे ही आपके अंदर कृष्ण को पाने की इच्छा पूरी होती, इच्छा उदित होती है, वैसे ही आपकी सारी कामनाओं का अंत हो जाता है। क्योंकि आपको जिनको पाना है, यानी कृष्ण को या जिस भी इष्ट को आपको पाना है, वो तो ऑलरेडी मिले हुए हैं, वो आपके हार्ट में ही है। तो जैसे ही आप सुपर सोल यानी कृष्ण को पाने की कामना करते हैं, वैसे ही आपकी सभी कामनाओं का अंत हो जाता है। इसकी दो बातें हैं, जो कृष्ण भगवान को प्रेम करता है उसको कृष्ण भी मिलते हैं और उसकी सारी कामनाएं भी पूरी होती हैं। तो यहाँ कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हो ना, तो कामनाओं के पीछे मत भागो, भागना है तो मेरे पीछे भागो। From me alone come remembrance, knowledge and forgetfulness. आप किसी और कामना के पीछे भागेंगे तो शायद आपको मिले या ना मिले, लेकिन आप अगर कृष्ण के पीछे भागेंगे तो आपको कृष्ण भी मिलेंगे और आपकी सारी कामनाओं की पूर्ति होगी, क्योंकि वही तो हर एक चीज के सोर्स है। ये तो कृष्ण कह रहे हैं, I am alone the source. I am to be known by all the Vedas. I am the author of Vedanta. I alone know the Vedas.
किसी भी चीज को पाने की अगर आपकी इच्छा है तो पूर्ति का माध्यम ईश्वर ही है, जानकारी का माध्यम ईश्वर ही है। यदि आपको आपकी कामना से मिलाने वाला कोई है तो वो केवल ईश्वर ही है, इसलिए भागना है तो ईश्वर के पीछे भागिए, कामना के पीछे मत भागिए। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज दे रहे कृष्ण आपको। और अब हम देखते हैं क्या मैसेज आता है जीसस की ओर से आपके लिए। जीसस आपसे कह रहे हैं बी नॉट अफ्रेड ओनली बिलीव, डरिए मत। शायद आप जिन लोगों ने जीसस स्पिरिट को चुना है, आप किसी किसी बात से जिंदगी में डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो आपको ईश्वर की ओर से ये संदेश आ रहा है कि ईश्वर पर विश्वास रखिए, डरिए नहीं। बी करेजियस, हाथ बढ़ाइए ईश्वर की ओर, हाथ बढ़ाइए ईश्वर की तरफ। जिसने भी हाथ बढ़ाया है उसका हाथ थामा गया है, उसको सपोर्ट दिया गया है, उसको सहारा दिया गया है, उसको डर से बाहर निकाला गया है। इसलिए अगर आप किसी चीज में डर रहे हैं तो डरिए मत, प्रे कीजिए, हाथ बढ़ाइए, आपका हाथ थामा जाएगा, आपको सपोर्ट दिया जाएगा। लव वन अनदर एंड आई हैव लव्ड यू। यस, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका सपोर्ट नहीं करता है तो आप ऐसे लोगों का सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए जिनको सपोर्ट की जरूरत है। आपको अपने आप सपोर्ट मिलेगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। यही मैसेज आ रहा है इस स्पिरिट मैसेज के अंदर। लव वन अनदर एज आई हैव लव्ड यू। एक दूसरे को प्यार दीजिए, एक दूसरे का सहारा बनिए, एक दूसरे को डराने धमकाने के लिए नहीं, एक दूसरे को प्यार करने के लिए कॉन्टेक्ट में आइए। मे भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप अपने आसपास के लोगों से या तो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, या आपने अपने आप को अपने कम्युनिटी से अलग कर लिया, अपने लोगों से अलग कर लिया है, और आपको दोबारा उनके साथ जाकर पैचअप करने में परेशानी हो रही है, तो शायद इसी लिए आपको ये कहा जा रहा है कि डरिए मत, प्यार के साथ हाथ बढ़ाइए। आपको अगर ये डर लग रहा है कि आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है, आपको प्यार किया जाएगा, आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, और आपका डर बिल्कुल झूठा है, आपका डर बिल्कुल मिथ्या है। लेट योर लाइट सो शाइन बिफोर मैन दैट दे मे सी योर गुड वर्क्स एंड ग्लोरीफाई यस योर फादर व्हिच इज इन द हेवन। यस, आपको अगर इस बात का डर है कि लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तो आप अपना लाइट, अपना अनकंडीशनल लव, अपना पॉजिटिविटी को इस तरीके से लोगों पर शाइन कीजिए कि लोग इस बात को समझ सकें कि आपके अंदर कितनी गुड वाइब्स हैं, और आपकी गुड वाइब्स, आपकी पॉजिटिविटी को लेने के लिए लोग आपको हाथों हाथ लेने को तैयार हो। तो बजाय इसके कि लोगों से कट कर अलग थलग होकर आप डर कर ये सोचकर अलग रहें कि पता नहीं मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा नहीं, पूरे खुले दिल से, पूरे खुले मन से आप लोगों को एक्सेप्ट कर लीजिए, और आप देखेंगे कि आपका डर झूठा था, लोग भी आपको उसी प्यार से एक्सेप्ट करेंगे, और आपको यस फोर ऑफ कप्स का, मुझे ऐसा लगता है आप अलग थलग पड़े हुए हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके पास अवसर खत्म हो गए हैं, आप अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ ईश्वर आपको कह रहे हैं कि अभी भी अवसर आपके हाथ में है, हाथ बढ़ाइए और उस अवसर को पा लीजिए, डरिए मत। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, आपका साथ नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपके सपोर्टर, आपको प्यार करने वाले लोग आपको जरूर मिलेंगे। अपने डर को जीत कर आगे बढ़िए। तो ये थे स्पिरिट की ओर से मैसेजेस जो हमारे माइंडफुल जर्नी के मेंबर्स में मैंने पोल किया था, मैंने उनसे वोट मांगा था कि आपको किस टॉपिक के ऊपर पिक ए कार्ड रीडिंग चाहिए, और वहां पर 40% या शायद उससे भी ज्यादा लोगों ने कहा था कि उनको व्हाट स्पिरिट वांट्स टू टेल यू बात इस टॉपिक के ऊपर एक पिक ए कार्ड रीडिंग चाहिए। तो उनकी, मेरे मेंबर्स के वोटिंग के आधार पर मैंने ये रीडिंग बनाई है। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और जल्दी से मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपकी पसंदीदा टॉपिक्स भी उठाए जा सकें, आप लाइव क्वेश्चन आंसर्स में शामिल हो सकें, और एक्स्ट्रा ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन भी आप पा सकें। मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ मेरे मेंबर्स को एक एक्स्ट्रा ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन दे चुकी हूँ। बहुत ही जल्दी मैं उनको एक हीलिंग सेशन देने वाली हूँ। तो अगर आप भी इन सब पर्क्स का, इन सब चीज़ों का फायदा उठाना चाहते हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट पोस्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।